नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, मेरे सामने आप जो वैरायटी देख रहे हैं वो है RVSM की 1135, और अगर मैं इसकी दिन की बात करूँ तो लगभग ये 80 दिन की हो चुकी है, और प्रॉपर अगर मैं दिन की बात करूँ तो 120 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इस बार किसानों ने जिन्होंने पीछे थी वेराइटियाँ बोई थी उनके लिए काफ़ी मतलब ये अच्छा साल रहा, क्योंकि एक तो इनमें नुकसान काफ़ी कम देखने को मिलेगा, आपको कहीं कहीं पर आड़ी गिरने की समस्या ज़रूर दिखेगी। जिन किसानों ने मतलब ज़्यादा पास पास में बुआई करी थी तो उन किसानों के मतलब आड़ी गिरने की समस्या देखने को मिल रही है। दूसरी बात कर लेते हैं किसान भाई RVSM 1135 की, जो कि काफ़ी लंबी खींच के बाद भी किसान भाई प्रॉपर अच्छी तरह से खड़ी हुई है। इसमें पानी की आपको जो खींच लग चुकी थी उसकी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, और अब जो पानी बरस रहा है उसमें काफ़ी प्रकाश है। इसके अगर मैं फलियां बताऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फलियां नज़र आएगी, और बीज भी इसमें डल चुका है। ये कुछ आप इस प्रकार से देखते हैं, फलियां टाइट हो चुकी है। तो ये यह साल इस बार पिक्चर मतलब आगे थी वेराइटियों का नहीं था। कुल मिला के अगर आप पीछे थी वेराइटियाँ बोते तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता था। तो किसान भैया, RVSM 1135 काफ़ी अच्छी वेराइटी निकल कर आई, और जैसे JS की 20-70 और 93-05 20-34, हम जो 20-34 बड़ी वाली वेराइटी होती है लंबी हाइट वाली, वो काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। कि तो किसान भाइयों, अगर आप RVSM 1135 की भी बुआई करना चाहते हैं अगले वर्ष तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेराइटी है और प्रॉपर 120 दिन की वेराइटी है किसान भाइयों, और फुटाव इसमें आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। आप मेरे किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि वो थोड़ी बुआई मतलब 13-14-15 किलो बीघा का ही बीज डाले, ज़्यादा बीज नहीं डाले, क्योंकि इसका फुटाव अत्यधिक है। अगर आप ज़्यादा पास में कर देंगे तो वो आड़ी गिर जाएगी, और इसकी मतलब हाइट भी काफ़ी है, आप देख सकते हैं इसकी हाइट प्रॉपर हाइट है, और प्रॉपर फलियाँ इसमें लगी हुई है। तो सोयाबीन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आई, काफ़ी बढ़िया वेराइटी मुझे लगी। और किसान भाई, मार्केट में काफ़ी तरह की वेराइटियाँ उपलब्ध है, तो आप थोड़ा बीज लेकर ही आप नए नए बीज का प्रशिक्षण खेत में ही करें, और बीज माफियाओं के चंगुल से बचें। क्योंकि किसान भाइयों, किसान के हाथ में कुछ नहीं रहता है, वो सिर्फ बीज माफियाओं के चंगुल में फंस कर रह जाता है। क्योंकि हर साल बीज माफिया अलग अलग तरह का बीज लाकर 10-15 हज़ार रुपये भाव में बेचते हैं। तो किसान भाइयों, RVSM 1135 भी किसी समय ऐसी स्थिति में थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं काफ़ी किसानों के पास हो चुकी है। तो आप पहले तो अगर आप खेत में सोयाबीन लगाए तो चेंज कर 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 लगाए, वरना आपकी सोयाबीन का उत्पादन कम देखने को मिलेगा। इसका अगर मैं उत्पादन की बात करूं किसान भाइयों, RVSM 1135 की जो लगभग 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघे का उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ पर 22 आरी का 1 बीघा होता है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं मतलब 1 आरी में 1000 स्क्वायर फीट होता है। तो इसी तरह अगर हम 1 बीघे की बात करूँ तो 22000 स्क्वायर फीट आपको हमारे इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो अगर अन्य वेराइटियाँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पिट चुकी है, और मौसम खुला नहीं है, आप देख सकते हैं बारिश मतलब अभी ही मतलब बंद हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो रही थी। तो इस समय पर RVSM 1135 का काफ़ी अच्छा मतलब सर्वाइव किया है, और अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। इसी को देखते हुए आप मतलब मैं तो कहता हूँ आप कम पीछे थी वेराइटी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे थी वेराइटियाँ ज़्यादा लगाएं, और आगे थी वेराइटियाँ थोड़ी कम ही लगाएं, क्योंकि अंत में आकर जो पीछे थी वेराइटियाँ होती है उनका ही रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिलता है, उत्पादन में उनका ही देखने को मिलता है। अगर 1135 अगर कि आप बुआई करते हैं तो इसमें आपको बीज भी कम डालना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, अगर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जुड़े रहिए।